हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने वाले हैं यूपी बोर्ड का टाइम टेबल। जी हाँ स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड ने अपने एग्जाम डेट शीट जारी कर दिए हैं। तो आपको हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं यूपी बोर्ड का टाइम टेबल 10th और 12th वालों का। स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये जो न्यूज़ है ये बिल्कुल 100% राइट है, ये न्यूज़ बिल्कुल भी फेक नहीं है, ठीक है। तो हम आपको आज इस वीडियो में प्रूफ के साथ बताने वाले हैं कि ये जो टाइम टेबल है बिल्कुल 100% राइट है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 10th और 12th वालों का टाइम टेबल, कितने दिन आपके एग्ज़ाम होंगे, कब आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे और कब आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, कितने बजे से आपका एग्ज़ाम है, सुबह में है, दोपहर में है, ठीक है। तो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ये इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और स्टूडेंट्स, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो आप तक पहुंच पाएगी और आप अपनी तैयारी एक्सेलेंट तरीके से कर पाएंगे। आपके एग्ज़ाम जो है वो आपको 24 तारीख से स्टार्ट करा दिए जाएंगे, तो आपका एग्ज़ाम अब 24 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम आपको प्रूफ के साथ दिखा देते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि ये जो न्यूज़ है ये फेक न्यूज़ है। तो सबसे पहले हम आपको प्रूफ के साथ दिखा देते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये आपका टाइम टेबल है। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज वर्ष 2022 की हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा का कार्यक्रम। तो ये आपका टाइम टेबल दिया गया है। ये देखिए, हाई स्कूल और इंटर की ये जो टाइम टेबल है, ये आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने हैं बृहस्पतिवार को, यानी कि 24 मार्च 2022 को आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए, ये कितने जो है ये आपके टाइम दिए गए हैं, आपको किस दिनांक पे और कौन से समय में आपके एग्ज़ाम होने हैं, ये सब यहाँ पे दिया गया है। आपका एग्ज़ाम होगा 24 मार्च से और आपका ये एग्ज़ाम ख़त्म कब होगा, यहाँ पे देख लीजिए, ये 12 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। तो अब तो आप लोग बिल्कुल श्योर हो गए होंगे कि ये टाइम टेबल बिल्कुल भी फेक नहीं है, ये 100% राइट न्यूज़ है। तो आप लोग यहाँ पे अपना टाइम टेबल देख सकते हैं, बहुत ही इसमें सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, जो जो आप लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स आपके दिए गए हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको समझने में परेशानी हो रही होगी, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो हाई स्कूल का परीक्षा है ये 24 तारीख को होगा, यानी कि 8 बजे से है ये आपका हिंदी का पेपर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, सामान्य हिंदी और हिंदी, यानी कि इंटरमीडिएट का है। तो हम आपको अभी कॉपी पर लिख करके दिखाएंगे, इसमें आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, हम समझ सकते हैं। तो अभी हम आपको कॉपी पर लिख करके दिखाएंगे हाई स्कूल का भी और इंटर का भी। तो ये दोनों क्लासों का हम टाइम टेबल आपको कॉपी पर लिख करके दिखाएंगे, तो आप लोग बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले हम हाई स्कूल का टाइम टेबल देख लेते हैं, उसके बाद हम इंटरमीडिएट का टाइम टेबल देखेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम टाइम टेबल देख लेते हैं हाई स्कूल का। स्टूडेंट्स, ये देख लीजिए, ये 10th वालों का टाइम टेबल है, हाई स्कूल का टाइम टेबल है ये, ठीक है। जिन जो बच्चे जो मतलब संस्कृत पढ़ते हैं और जो इंग्लिश पढ़ते हैं, जो मैथ पढ़ते हैं, जो गृह विज्ञान पढ़ते हैं, उन सबका मैंने लिख रखा है इस पर। तो उसमें आपको ज़रूर समझने में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहा होगा, इसीलिए मैंने आपको कॉपी पर लिख करके दिखाने का प्रयास किया, ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे बृहस्पतिवार 24 मार्च 2022 को। जी हाँ स्टूडेंट्स, 24 मार्च को आपका स्टार्ट होने वाला है एग्ज़ाम। आपका फर्स्ट जो पेपर है वो आपका हिंदी है, ठीक है। ये आपका 8 बजे से है और 11 बजे तक ये आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। सेकेंड एग्ज़ाम कब है आपका, शनिवार को है, 26 मार्च 2022 को है। ये भी आपका सुबह में ही पेपर है 8 बजे से, और ये दूसरा पेपर जो है आपका गृह विज्ञान है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, ये सोमवार को 28 मार्च 2022 को, ये भी आपका सुबह में ही पेपर है। तो ये चित्रकला, जो लोग जो बच्चे चित्रकला पढ़ते हैं उनका ये जो चित्रकला है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, वैसे तो हाई स्कूल में जो है सबको चित्रकला पढ़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब क्या है, 29 तारीख को कौन सा पेपर है, 29 मार्च 2022 को ये पेपर भी आपका सुबह में ही है, तो ये संस्कृत है। आगे कौन सा पेपर है, यहाँ पे देखिए, सोमवार 4 अप्रैल 2022 को ये पेपर भी आपका सुबह में है, और इस दिन आपका कौन सा पेपर है, विज्ञान है, यानी कि साइंस है, ठीक है। आगे का जो है पेपर देखिए, 6 तारीख को आपका कौन सा पेपर है, बुधवार 2022 को, यानी कि ये भी सुबह में ही पेपर है, तो अंग्रेजी दिया गया, ठीक है। तो
छः तारीख को आपका अंग्रेजी का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए शुक्रवार 8 अप्रैल 2022 को ये आपका सामाजिक विज्ञान है, ठीक है। आगे देखेंगे ये हमारा देखिए मंगलवार को यानी कि 22 अप्रैल 2022 को ये भी आपका सुबह में ही पेपर है और ये हमारा गणित है, ठीक है। तो सबसे लास्ट में जो आपका गणित का एग्जाम होने वाला है, आपका एग्जाम 24 मार्च 2022 को स्टार्ट होगा और 12 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हाई स्कूल वालों का टाइम टेबल था। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग अपने नोटबुक पर लिख लीजिए ताकि आप लोगों को याद रहे और आप लोग अपनी तैयारी एक्सेलेंट तरीके से करते रहिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इंटरमीडिएट का टाइम टेबल यानी कि 12th वालों का टाइम टेबल, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इंटरमीडिएट का टाइम टेबल। स्टूडेंट्स ये 12th वालों का टाइम टेबल है, आप लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था, मतलब 10th और 12th दोनों लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। तो फाइनली आप लोगों का टाइम टेबल आ ही चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो एग्ज़ाम है वो है आपका हिंदी का, ये आपका 24 मार्च से स्टार्ट होगा, ठीक है। 10th और 12th वालों का दोनों लोगों का एग्ज़ाम जो है वो 24 मार्च से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 24 मार्च को आपका पेपर है लेकिन समय जो है आपको 2 बजे से दिया गया है, ठीक है। तो आपका दोपहर में यानी कि समय 2 बजे से आपका एग्ज़ाम होगा और 5 बजे तक यानी कि 5:15 तक आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, हिंदी और सामान्य हिंदी, ठीक है। तो जो लोग हिंदी पढ़ते हैं उनका हिंदी का होगा और जो लोग सामान्य पढ़ते हैं उनका सामान्य होगा, ठीक है। अब देखिए ये 28 तारीख को कौन सा पेपर है, ये आपका भूगोल है और लेकिन ये आपका 8 बजे से यानी कि प्रातः सुबह में ही आपका ये एग्ज़ाम करा लिया जाएगा भूगोल का, ठीक है। आगे देखते हैं आगे कौन सा पेपर है। आगे जो है 28 तारीख को एक पेपर और है गृह विज्ञान, लेकिन ये आपका 2 बजे से है, 2 बजे से 5:15 तक आपका ये एग्ज़ाम कराया जाएगा, ठीक है। तो 28 तारीख को 2 पेपर है भूगोल और गृह विज्ञान। तो जो बच्चे भूगोल पढ़ते हैं वो भूगोल देने जाएंगे 8 बजे से और जो गृह विज्ञान पढ़ते हैं वो 2 बजे से देने जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। आगे हम समझेंगे, आगे देखेंगे 29 तारीख को हमारा पेपर है यानी कि मंगलवार 29 मार्च 2022 को पेपर है चित्रकला। तो जो लोग कला पढ़ते हैं उनका पेपर है 29 मार्च को सुबह में 8 बजे से, ठीक है। आगे देखेंगे बुधवार को कौन सा पेपर है, देख लीजिए बुधवार यानी कि 30 मार्च 2022 को 2 बजे से ये पेपर कराया जाएगा अंग्रेजी का, ठीक है। तो जो बच्चे अंग्रेजी पढ़ते हैं उनका पेपर बुधवार को है यानी कि 30 मार्च 2022 को ये आपका पेपर जो है ये 2 बजे से कराया जाएगा, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं आगे कौन सा पेपर है। आगे पेपर है हमारा इतिहास, इतिहास का आपका पेपर जो है बृहस्पतिवार 31 मार्च 2022 को कराया जाएगा, ये आपका समय जो है ये 2 बजे से है। तो इतिहास का पेपर 2 बजे से कराया जाएगा, 2 बजे से 5:15 तक, ठीक है। आगे देखते हैं आगे जो है ये 4/2022 को पेपर है शिक्षा शास्त्र का, ये आपका पेपर 8 बजे से रहेगा, ठीक है, मॉर्निंग में ये आपका 8 बजे से पेपर है शिक्षा शास्त्र का। आगे देखते हैं सोमवार 4 अप्रैल 2022 को पेपर है दोपहर 2 बजे से, ठीक है, 5:15 तक जीव विज्ञान और गणित। तो जो बच्चे जीव विज्ञान पढ़ते हैं वो जीव विज्ञान देने जाएंगे और जो लोग गणित पढ़ते हैं वो गणित देने जाएंगे, ठीक है। तो जो लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं उनका भी 2 बजे से है यानी कि 4 अप्रैल को, और जो लोग गणित पढ़ते हैं मैथ पढ़ते हैं उनका भी जो है 4 अप्रैल को ही है 2 बजे से, ठीक है। तो क्लियर है, आगे हम समझेंगे। आगे देख लीजिए आगे कौन कौन सा पेपर है। बृहस्पतिवार 7 अप्रैल 2022 को ये पेपर जो है आपका 2 बजे से कराया जाएगा अर्थशास्त्र और भौतिक विज्ञान। तो जो लोग अर्थशास्त्र पढ़ते हैं और जो लोग भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं तो वो लोग अपना पेपर देने जाएंगे 2 बजे से, ठीक है। आगे देखेंगे शनिवार 9 अप्रैल 2022 ये भी आपका पेपर जो है ये 2 बजे से कराया जाएगा, ये संस्कृत का पेपर है। तो जिन बच्चों का संस्कृत है वो लोग 9 तारीख को जाएंगे 2 बजे से, उनका पेपर ये कराया जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं सोमवार 11 अप्रैल 2022 को ये भी पेपर आपका 2 बजे से ही है, तो रसायन विज्ञान और समाजशास्त्र। यहाँ पर देखिए ये लास्ट एग्जाम जो है आपका कब है, मंगलवार 12 अप्रैल 2022 को ये भी पेपर आपका 2 बजे से कराया जाएगा नागरिक शास्त्र का, ठीक है। तो जो लोग साहित्यिक से हैं उनका नागरिक शास्त्र होगा, तो ये नागरिक शास्त्र ये आपका लास्ट पेपर था। यहाँ पर 12th वालों का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 24 मार्च को स्टार्ट होगा और आपका एग्ज़ाम 12 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने बहुत ही अच्छे से समझा दिया है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी एक्सेलेंट तरीके से करते रहिए। 12th वालों को कोई भी डाउट हो तो आप हमें बेहिचक कमेंट करिए, किसी भी सब्जेक्ट्स में कोई भी डाउट हो तो
आप लोगों की तैयारी जो है वो एक्सेलेंट तरीके से होनी चाहिए। कोई भी डाउट हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। काफ़ी समय से इंतजार था बच्चों को यूपी बोर्ड का टाइम टेबल कब जारी होगा, तो वो भी जारी हो गया। अब आपका एग्ज़ाम देने का समय भी आ चुका है। बहुत समय नहीं आप लोगों के लिए बचा है, ठीक है, 15 दिन बचे हुए हैं, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप बहुत ही पेशेंस के साथ अपनी तैयारी को स्टार्ट करते रहना है, तो बिल्कुल भी आप लोगों को घबराना नहीं है। अपनी तैयारी को एक्सीलेंट तरीके से करते रहिए, ठीक है, और बोर्ड एग्ज़ाम में अपना एग्ज़ाम देने जाइए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये टाइम टेबल है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।